क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है 2x + 3y = sin x लिखा है, ठीक है, और इसका dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx करने का मतलब ये निकालना है, फाइंड आउट क्या है इसका, या dy/dx ये निकालना है, ठीक है। तो जहाँ तो x का, ये x का भी फलन है और किसका है, y का भी है, दो दो फलन है एक साथ, ठीक है। इस तरह का अगर फलन आएगा तो हम यहाँ लिख लेंगे एक बार कि दोनों ओर यहाँ dy/dx का मतलब क्या होता है, dy/dx और यहाँ पर y, ऐसे भी समझ सकते हो, यानी नीचे ये जो लिखा है ना उसी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो यानी x लिखा है dy/dx ऑफ y, यानी कि इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम पूरे टर्म को क्या लिख लेंगे कि दोनों ओर किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष, मतलब जिसको कम समझ में आता है तो थोड़ा लिख भी लिया करो, सापेक्ष अवकलन करने पर। और वैसे भी मैथमेटिक्स में जो भी वर्क कर रहे हो तो उसको लिखना थोड़ा जरूरी होता है, अवकलन करने पर। तो यहाँ अवकलन कर दिया, अब यहाँ अवकलन जब करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, लिख के दिखा दे क्या एक बार, चलो एक बार लिख देता हूँ, dy/dx ऑफ 2x का भी होगा, फिर प्लस करके dy/dx ऑफ किसका होगा, 3y का भी होगा, और फिर इधर जब लिखेंगे तो dy/dx ऑफ sin x का, मतलब ईच टर्म्स का होगा, हर टर्म का लिखेंगे। यहाँ पर फिर dy/dx निकाल रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x लिखा है, यानी 2 इसके साथ, 2 और x के बीच का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ dy/dx ऑफ x का होगा, और x का x के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x लिखा है और ये क्या है, y, तो x का अगर x के सापेक्ष करते तब ना 1 होता, यहाँ तो अलग टर्म आ गया, y आ गया, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, मगर उसको हम dy/dx ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर पावर 2, 3, 3 कुछ भी होता तो उस केसेज में हम जो भी, जैसे x^n का जो फॉर्मूला यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पावर तो है ही नहीं, पावर 1 है, तो हम 1 अगर, जैसे यहाँ पर पावर 1 है तो जो भी पावर होता है पहले आता मल्टीप्लाई में, और फिर उसका पावर क्या करते हैं, 1 कम करते हैं, तो 1 कम किया जाएगा तो y की पावर 0 हो जाएगा, और y की पावर 0 कितना होता है, 1, तो फिर 1 आ जाता, तो वो कब आता, जब y के सापेक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x के सापेक्ष है, तो इसलिए ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ लिख देंगे dy/dx लिख लेंगे, ठीक है, और इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो x है और ये साइन वाला जो टर्म है इसके साथ भी एंगल में x ही लगा है, तो साइन x का क्या लिख लेंगे, cos x। अब यहाँ पर अगर साइन x² sin 2x या फिर कुछ भी लिखा होता तो फिर से किया जाता, लेकिन यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इतना ही, साइन x का cos x लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हमें तो वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो इसको क्या करेंगे, ये जो 2 वाला जो टर्म है राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो यह आ जाएगा cos x, और यहाँ पर 2 × 1 = 2 होता है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 3dy/dx। हमें तो dy/dx की वैल्यू चाहिए ना, तो dy/dx के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसलिए उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो या होल के साथ ऐसे / 3 लिख लो, या तो ऐसे 1/3 करके ऐसे लिख लो, cos x -2, तो यही इसका आंसर होगा। ये हमारा क्या कहते हैं, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद इसमें और तुम्हारे जो है 7 क्वेश्चन।